My spiritual name is Chandra Lalita. Chandra? Chandra Lalita. कितने कितने टाइम के लिए थे इंडिया में? एक साल. हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का नए ब्लॉग में. आप देख ही रहे हो, मैं हूँ ओल्ड सिटी इचेरी शहर में. तो अभी मेरा प्लान है आज इस्कॉन टेम्पल जाने का. इस्कॉन टेम्पल की दूरी यहाँ से अराउंड सिर्फ 10 या 11 किलोमीटर है. तो वहाँ मैं मेट्रो से जाने वाला हूँ. इस्कॉन टेम्पल मैंने अल्माटी का विज़िट करा, और अगर मैं आपको बता दूँ, पूरे सेंट्रल एशिया में जो इस्कॉन अल्माटी का टेम्पल है वो सबसे बड़ा टेम्पल है. और बाकी अब अज़रबैजान का इस्कॉन के दर्शन करते हैं. उज़्बेकिस्तान के इस्कॉन के दर्शन तो मैं नहीं कर पाया, तो अब काफ़ी एक्साइटेड हूँ वहाँ जाकर दर्शन करने के लिए और देखने के लिए कि कैसा वहाँ का इस्कॉन टेम्पल है. ओल्ड सिटी में कहने को ओल्ड सिटी है, लेकिन गाड़ियाँ एक से खतरनाक चलती हैं वहाँ पर. इचेरी शहर से 5 मेट्रो स्टेशन बाद में पहुंच जाता हूं गारागरेव मेट्रो स्टेशन. अब कौन से गेट से एग्जिट करना है ये मुझे पता नहीं. चलो यहां पर किसी से पूछ लेते हैं. हेलो, कैन यू हेल्प मी विद दिस नो दिस एग्जिट फ्रॉम हियर. इस मेट्रो स्टेशन से इस्कॉन बाकू की डिस्टेंस है 10 से 12 मिनट. तो जी, चल रहे हैं आप पैदल पैदल. कपड़े वगैरह भी सूख रहे हैं वहाँ पर तार पर. अपार्टमेंट से अपार्टमेंट बने हुए हैं. ये वाली बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है. लाइन से डस्टबिन लगा रखे हैं रोड पे. बाकू अज़रबैजान का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा रहता है, मीठी धूप रहती है और कैस्पियन सी इसके बॉर्डर पर पड़ती है, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी नहीं है. शायद सी का जो एरिया है वो छोटा है, उस वजह से. उज़्बेकिस्तान में तो इतनी गर्मी पड़ती थी, वहाँ भाई मेरी हालत ख़राब हो गई थी. आप पिछले व्लॉग्स मेरे देख सकते हैं उज़्बेकिस्तान सीरीज़ के. हम 10 से 11 किलोमीटर दूर आए हैं सिटी सेंटर से, और आप यहाँ पर चेंजेस देख सकते हैं. यहाँ की रोड, यहाँ के घर वगैरह सब आपके सामने हैं. इस्कॉन बाकू में हमने एंटर कर लिया है. ये खुला बरामदा यहाँ बना हुआ है, और सामने कृष्ण कन्हैया जी की मूर्ति. और देखने में लगता है कि शायद अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि चूना वगैरह भी गिरा हुआ है. कृष्ण कन्हैया और राधा मैया का पोस्टर भी यहाँ पर बना हुआ है, और रशियन भाषा में लिखा हुआ है हरे कृष्णा. काफ़ी सारे यहाँ पर गेट्स बने हुए हैं, और समझ में नहीं आ रहा कि मंदिर में एंट्री कहाँ से ले. यहाँ तो वेजिटेरियन कैफ़े बना हुआ है. फिर आगे चल के देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो पूछूँ किससे पूछूँ. सोचा कि यहाँ से पानी पी लेता हूँ. हरे कृष्णा, या आई एम फ्रॉम इंडिया. ओके, अपस्टेयर. पुजारी जी ने मुझे बोला कि मैं सीढ़ियों से ऊपर चले जाऊँ. कुछ लोग तो आए हुए हैं. Yes, I'm from India. You look like our guys. earlier you thought that I'm from Azerbaijan. Yes. Your first time here in the temple.
yeah, first time in Azerbaijan and this temple. Yeah, it's my fifth day in Azerbaijan. How long you will stay here? I will stay, let's say, for more 1 week, for more 5 or 6 days. If I get a visa for Iran, then I will go to Iran. Otherwise, Iran. Why you think about Iran? Islam is public. Okay. No, Central Asia, ISKCON is everywhere, right? But not Iran. Not in Iran. Yes. And also, I know no ISKCON in the Turkey. Uh-huh. Especially many Muslim countries, Iraq. Yeah. Egypt. Syria. Syria, yes. Are you from like Azerbaijan itself or from Russia? No, I'm from Azerbaijan, from Baku. Okay. So how you came into the consciousness of Krishna and how you like felt connected with Krishna? How it happened? It happened suddenly. I came from book Bhagavad Gita. Okay, you read Bhagavad Gita. Yes, and? I read Bhagavad Gita. Mm-hmm. I had a lot of questions about God when I was a small, especially when I goes to school and university. I always ask myself, how's God looking? Mm-hmm. You understand? Yeah, yeah. So? I had a lot of questions about God. Mm-hmm. Of course, God, Allah, Krishna, it's same names. Yeah, God is one. God is one. But, so, were you Muslim earlier? Like, did you change your... I'm also Muslim. Okay, you didn't Muslim, change your... But I, okay. I believe Krishna also. Okay. When I went to Masjid, Mosque. Yeah, Masjid, Mosque. Mosque, yes, yeah. Mosque. I always look in God, how to pray of my God. But when I came to here, I can see my God. Oh. You understand? Yeah, I understand. I can pray only where... on the wall. I want to see my God with my eyes. Understand? Yeah, I understand. Yes. Yes. And when this ISKCON Baku was formed? ISKCON Baku have 35 years. ISKCON 35 years, yes. Long time. When did you came here? When did you join? 20 years. In this place? Yes, 20 years. Yeah, I didn't ask your name, sorry. What's your name? My spiritual name is Chandra Lalita. Chandra? Chandra Lalita. Okay. What's your like birth name? Hmm? Your actual name? Birth my name in my material world. Yes, name yes. Is? Hmm. Eliana. Eliana. Hmm. Okay. My name is Love. What? Love, love. Love? Yeah. Love Kush, Ramayan. Yes, I know. Yeah, yeah. My brother. Your brother Kush? Yes, I have brother Kush. Really? Yes, yes. Picture. Twins? Yeah. No, we are not twins, but he is younger than me. How old are you? I'm 25. 25? Yeah. Very young. Yeah. Yes. Thank you so much for telling me about yourself, about telling me about the place. So I really pleased to come here at ISKCON Baku. I believe Chandra Lalita ji se aapne kafi kuch samjha hoga. Ab ye mujhe invite kar rahi hain agle Sunday dobara yahan par aane ke liye kyunki Vyasa Pooja ji jo ki guru hain jinka birthday celebration yahan ISKCON Baku mein kara jayega to mujhe uske liye invite kar rahi hain. There also have a big party. Hare Krishna. Like prasadam. Yes, and prasad also. Come this Sunday. Yeah, let's see if I will be in Baku. Are you alone? Yes, yes, solo. Solo travel. So yes, thank you so much. Yeah, Hare Krishna. Are you free? Take a... इन्होंने मुझसे बोला अगर मेरे पास टाइम है तो मैं यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके जाऊँ. अब मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ. Your dress is very good. Your dress.
चंद्र ललिता जी ने इस एरिया में जाके देखा तो कोई इन्हें मिला नहीं। अभी मुझसे कह रही है कि सामने भी एक किचन है, आप वहां पर चल के प्रसाद ग्रहण करिए। इस्कॉन को बने हुए 35 साल हो गए हैं और कुछ लोग यहाँ पर परमानेंट भी होंगे, तो उनके रहने की व्यवस्था के लिए शायद एक सामने घर बना हुआ है और यहाँ पर एक बड़ी सी किचन भी है। ये भाई साहब जो राइट में बैठे हुए हैं, इनकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आगे व्लॉग में आपको बताऊंगा। इन्हें हिंदी भी आती है और इंडिया भी एक साल रह चुके हैं। हिंदी रसोई कंपोर्ट, कंपोर्ट सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप में कंज्यूम किया जाता है। इसे फ्रूट्स को बॉयल करके बनाया जाता है। फ्रूट्स आपके या तो आड़ू, आलू बुखारा, सेब, खुमानी, इसको अलग अलग करके उबाला जाता है या मिक्स फ्रूट्स का बनाया जाता है। अब ये जो कंपोर्ट है ये शायद आलू बुखारे का बना हुआ है। अब दोनों आलू बुखारे इन्होंने मेरी प्लेट में रख दिए हैं, मैं इनसे कह रहा हूँ एक तो खा लीजिए आप। नो वन वन यू ईट वन वन इज फाइन वन इज फाइन थैंक यू धन्यवाद। तंदूरी रोटी मुझे लग रही है और ये साथ में है आपका आलू और टमाटर। ये कंपोट थोड़ा मतलब वार्म कंपोट है। चलो अब खा लेते हैं। खाना बिल्कुल इंडियन करी स्टाइल में बनाया है इन्होंने। पहले तो मुझे लग रहा था अंकल ये थोड़ी मोड़ी हिंदी सीख रहे होंगे, बट यहाँ तो इनके सारे टेक्स्ट बुक्स और नोट्स रखे हुए हैं ट्रांसलेशन के हिंदी के, तो कितनी लगन से हिंदी सीख रहे हैं ये। कितने कितने टाइम के लिए थे इंडिया में? इंडिया में कितने दिन के लिए? एक साल। क्या करा इंडिया में? कहाँ कहाँ घूमा? कहाँ कहाँ घूमा आपने? कहाँ कहाँ घूमा आपने? वृंदावन, मायापुर, पुरी, हिमाचल प्रदेश, मणिकारा, मनाली, नेपाल, अरे वाह, बख्तापुर, चितवन। हमेशा इस्कॉन में? इस्कॉन है, हमेशा इस्कॉन है। हिंदी कब से सीख रहे हो? हिंदी थोड़ा थोड़ा मैं लो हिंदी शिक्षा हिंदी शिक्षा चल रही है इनकी। किताब राशन हिंदी में, अजरबैजान हिंदी, अजरबैजान हिंदी किताब नहीं। मैं लग भाई शिक्षा हिंदी लग भाई हिंदी पसंद है। हाँ हिंदी पसंद हिंदी अजरबैजान शिक्षा नहीं। सीख जाओगे जल्दी सीख जाओगे। बहुत सारे हिंदी और अजरबैजानी के वर्ड्स कॉमन हैं, तो अंकल जी वो बताएंगे कौन कौन से वर्ड्स हैं। नाना, नानी, नाना, नानी, नाना, नानी, नाना, बाजार, बाजार, जासूस, 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 ये मालूम, कारबूज, कारबूज, शहर, 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 मेहमान, मेहमान, जीन, जीन, कीमत, कीमती। चलो मिलेंगे आपसे फिर। हाँ जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। नाम क्या है आपका? यमुना पति दास। यमुना पति दास जी, हरे कृष्ण। अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा यहाँ पर, ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे में यहाँ पर रुका होगा, तो अब यहाँ से वापस जाने का टाइम आ गया है और ब्लॉग को एंड करने का भी टाइम आ गया है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। धन्यवाद।